अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्ता खान। आज हम बनाने जा रहे हैं करवंदे के अचार। ये हमने आधा किलो करवंदा लिया है, ये हमने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है, ये हमारी तीखी वाली नहीं है। ये हमने 100 ग्राम लहसुन लिया है, ये हमने करवंदे में नमक लगा दिया है और मिर्ची को हमने कट कर लिया है। कट करके हमने करवंदे में मिक्स कर दिया है और इन दोनों में नमक लगा के हम पूरे दिन के लिए, अब पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। ये हमने नमक लगा के इसे थोड़ा टाइम हम धूप में रख देंगे। एक दिन पूरा हम धूप में रखेंगे, इसके बाद हम दूसरे दिन इसमें जो पानी निकलेगा उसे हम फेंक देंगे। जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, मसाले के लिए हमने 2 चम्मच राई लिया है। 2 चम्मच राई लेके इसे हम भून लेंगे, धीमी आंच पे रख के आप भूने, भून जाए तो उसे हम निकाल लेंगे। ये हमने 2 चम्मच धनिया लिया है, 5 से 6 हमने लाल मिर्च ली है और ये हमने लहसुन को छील। 1 चम्मच हम सौंफ लेंगे, आधी चम्मच हम अजवाइन लेंगे, आधी चम्मच हम मेथी लेंगे, 1 चम्मच हम जीरा लेंगे। ये हम राई जब तक हमने भून रहे थे, अब हम इसे धीमी आंच पे करके भून के इसे निकाल लेंगे और इसी में ही हम मिर्ची और धनिया को शामिल करके इसे भी भून लेंगे। ये देखिए हमने राई निकाल लिया है, राई हमारी अच्छे से भून गई है, हमने धीमी आंच पे इसे भूना है। अब हम इसे पीस लेंगे, पीसने के बाद हम राई को फटक के इसका जो छिलका है वो निकाल लेंगे। ये हमने धनिया और मिर्ची को भी भून लिया है, इसे भी हम पीस लेंगे। ये हम चारों चीज़ों को एक साथ डाल के हम इसे भी भून लेंगे। हल्दी, ये सारी चीज़ें हम धीमी आँच पर भूनेंगे। ये देखिए ये भी हमने भून लिया है, हम सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। सिर्फ हम मंगरेले को नहीं पीसेंगे, मंगरेले को हम सिर्फ भून के इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हम सारी चीजों को हम पीस लेंगे, लहसुन को हम पीसेंगे। लहसुन अगर नहीं पीसा है तो आप इसमें सिरका शामिल कर दें। यह हमने तेल गरम किया है, हमने आधा कप तेल लिया है, इसके अंदर हमने करवंदे और मिर्ची को शामिल करके इसे हम भून लेंगे। इसके अंदर हमने 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हमने लाल मिर्ची की भुकी और हमने हींग शामिल कर दिया है। हींग आप आधी चम्मच या चुटकी भर ले लें। यह हम लहसुन को भी, हम लहसुन को हमने पीस लिया था, सारे मसाले जो हमने पीस लिए हैं वो सारे हम करवंदे में शामिल करके मिला देंगे। हमने गैस बंद कर दिया है, गैस को आप इतनी देर चालू रखें कि आपका करवंदा गल जाए, आधा गल जाए। आप उठा के करवंदे को चेक कर लें कि आपके करवंदे आधे गल जाए, उसके बाद ही आप मसाले इसमें शामिल करें। जब आप गैस बंद करें उसके बाद ही आप मसाले को डालें। ये देखिए हमारे करवंदे बनके तैयार हो गए हैं, इसे आप तुरंत खा सकते हैं या आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।